हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे गार्डन में फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो मैं शेयर करूंगी वो मेरा डेली रूटीन का जो गार्डन वर्क है उसी के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी। कुछ काम मेरा है जो ये डेली का है, आप सभी का भी ये है काम, तो वो मैं आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जो गार्डनर्स हैं, हम सभी को ये डेली जो पानी का रूटीन है, जो वाटरिंग करना होता है हमारे प्लांट में, वो हर कोई एक तरह से नहीं करता, क्योंकि सभी के पास समय नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा तो जो रूटीन है प्लांट्स को पानी देने का, वो मैं बिल्कुल पाइप से इसी तरह मैं धीरे से अपने प्लांट को पानी देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, उसका एक रीज़न है कि गवर्नमेंट क्वार्टर में रहना, उसी को पता चलता है कि पानी की वैल्यू क्या होती है। फ्रेंड्स, गर्मी तो अभी बहुत ही ज़्यादा है, 42-43 हमारे यहाँ है। तो फ्रेंड्स, इसी में हमें जो है बिल्कुल भी एकदम कंट्रोल में पानी देना है, क्योंकि हमारे जो भी पानी सप्लाई होता है उसी से हमें इकट्ठा करना है, और अपने प्लांट के लिए भी मुझे रखना है, और घर यूज़ के लिए भी, तो सारा भर के मुझे रखना पड़ता है फ्रेंड्स। तो मैं बिल्कुल इसी तरह से अपने प्लांट को पानी देती हूँ, और जो मेरे प्लांट बहुत बड़े हो चुके हैं पेड़ के जैसा, उसका कंडीशन आप देखें तो बिल्कुल भी रूट ऊपर आ गया है। और फिलहाल हम इसको बारिश के समय तक इसको कुछ कर नहीं सकते, ये सभी का वही हाल है। तो पानी देने का जो मेरा रूटीन है वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखें कि जब हम गार्डन में पानी देते हैं तो हमारा पानी जो है हमारे जो पॉट से पानी बिल्कुल भी, जब हम पानी हमारे प्लांट में देते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही धीमी आंच पे देना चाहिए, ताकि किसी किसी जो पॉट हैं उसमें मिट्टी ऊपर तक उठ गई है तो धीरे से पानी जाता है, और किसी में पानी बिल्कुल इजी से चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे लगभग सभी पॉट में है, क्योंकि मेरे पास सारे जो प्लांट हैं वो पेड़ वाले हैं, बड़े बड़े हैं, तो मुझे बिल्कुल इसी तरह पानी देना पड़ता है, उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आपसे बता दूं कि हमने क्या किया है कि जो पानी हम पॉट में देते हैं वो जो बाहर साइड पानी चला जाता है नाली से, तो वो पानी मैं बिल्कुल भी यहाँ से मैंने बंद कर दिया है। और बंद करने के बाद फ्रेंड्स, ये जो पानी है सारा यहाँ पे इकट्ठा होता है, उसको मैं दोबारा इसी तरह बकेट में भर के और मैं रीयूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। तो इसी तरह अगर मैं डेली इस पानी को कम से कम 2 बाल्टी पानी मैं रीयूज़ करती हूँ, और आप देखें कि ये जो पानी है बिल्कुल भी इसमें खाद भी चला जाता है, तो ये बिल्कुल हेल्दी पानी है और ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो हमें बूंद बूंद पानी के लिए हमारे को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसकी वजह से फ्रेंड्स ये पानी मैं डेली इसी तरह 2 बाल्टी पानी मैं रीयूज़ करती हूँ दोबारा, और ऐसे भर के फिर मैं जो मेरे प्लांट में अभी बाकी है, नहीं दिया है, उसी में मैं देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये मेरा पानी देने का डेली का रूटीन है जो मैंने आपसे आज शेयर किया, कि पानी की वैल्यू एक एक बूंद हमारे लिए बहुत ही कीमती है, और अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो किसी और काम में आ जाएगा। तो इसी तरह हमें पानी की वैल्यू को समझते हुए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं डेली ये पानी दोबारा यहाँ बंद करके और इसको मैं भर लेती हूँ इसी तरह, और दूसरे प्लांट में लगा लूँगी, तो मेरा प्लांट दूसरे। तो फ्रेंड्स, यही मेरा कहना था कि हम अगर ये पानी मैं ऐसे ही जाने देती तो इतना सारा पानी मेरा ऐसे वेस्ट हो जाता, तो मैं पूरा गर्मी फ्रेंड्स इसी तरह रीयूज़ कर लेती हूँ पानी को, और बाकी जो जिसमें नहीं दिया है उसमें ये यूज़ हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स मेरा डेली का यही रूटीन है,
जो मैंने आपसे आज शेयर किया है फ्रेंड्स, तो यही बात था जो थोड़ी सी लगती तो होगी ऐसे कि क्या ये कोई बताने वाली बात होती है, लेकिन फ्रेंड्स मेरे लिए पानी का वैल्यू बहुत है और जिसके पास कम पानी आता है उसको पता चलता है कि पानी कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स डेली रूटीन का यही है, पानी देने का मेरा जो रूटीन है वो मैंने आपसे शेयर किया। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।